बरेली के चर्चित भाजपा विधायक पप्पू भड़तोल की बेटी और फरीदपुर के सुरक्षित सीट से भाजपा विधायक श्याम विहार सिंह के भांजे के बीच चोरी छिपे चल रहे प्रेम प्रसंग में कई दिनों से गायब होने के बाद आर्या समाज मंदिर में दलित युवक से किया प्रेम विवाह। दो राजनीतिक परिवारों के बीच का मामला होने के कारण दोनों ही परिवार ने फरार हुए प्रेमी युगल की पुलिस थानों में नहीं की कोई शिकायत और अपने ही स्तर से फरार हुए प्रेमी युगल की खोजबीन में जुटे हुए हैं। लड़की पक्ष के गुर्गों ने एक अज्ञात होटल में प्रेमी युगल को घेरा। विधायक के गुर्गों से बचकर भागे प्रेमी युगल अपनी जान को खतरा बताते हुए एक वीडियो वायरल किया है। साथ ही मैरिज सर्टिफिकेट और एसएसपी बरेली से प्रेमी युगल ने अपनी जान की सुरक्षा की मांग की है। कल देर शाम से वायरल हो रहे वीडियो से बरेली की राजनीति में खलबली सी मची हुई है। पेश है बहेड़ी के संवाददाता मोहज्जम हुसैन की खास रिपोर्ट। मैं साक्षी और ये मेरे हस्बैंड अभी, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और अब मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे और हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। और बस मैं बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें और हमारा ख्याल रखें। थैंक यू। ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि जो लोग पीछे लगे हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं, स्पेशली मेरे पापा के फ्रेंड्स जस्ट लाइक राजीव कोई है और उनके साथ भी लोग हैं बहुत सारे, काफी लोग थे, काफी लोग। हाँ, हम लोग जहाँ रुके हुए थे होटल में वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में आ गए और वो तो हमें मौका मिल गया कि हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो लोग, उन लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का। वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीजन है। और वो लोग फिलहाल हमें मारना चाहते हैं, तो हम ये इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं मित्रों कि हम लोग की जान बच जाए और हम लोग सेफ रहें। हाँ। और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर ये हम वीडियो हाथ बनाने आ गए तो वो पक्का हमें मार देंगे, पक्का, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बरेली के वासी तो जानते ही हैं माननीय विधायक जी को। ठीक है, बस यही बात कहनी थी हमें। और कोई बात हो आपकी तो आप कह सकते हैं। और कुछ नहीं, बस चलिए, थैंक यू। पापा और विक्की, पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भड़तौल जी और विक्की भड़तौल जी, प्लीज अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो, क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली है। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रखा है, ये शादी कर ली है इसलिए लगा रखा है। और पापा, आपने जो अपने कुत्ते भेज रखे हैं ना मेरे पीछे जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में होगा। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मतलब इतना घूम घूम के हम परेशान हो चुके हैं और मेरी हमारी जान को खतरा है। और एक बात कहना चाहूँगी विक्की और पापा कि अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है मैंने और अभी ने किया है। और अब शांति से जियो और राजनीति करो। मैं खुश रहना चाहती हूँ और आज़ाद रहना चाहती हूँ। और मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहूँगी, इन फ्यूचर अगर मुझे और अभी के फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा विक्की भड़तौल और राजीव राणा होंगे। राजीव राणा तो स्पेशली जो पूरी टीम लेकर आया हुआ है और मेरे पीछे घूम रहा है, मैं मर तो जाऊंगी लेकिन उसका पूरा खानदान मिटा के जाऊंगी। राजीव जी, ये चीज़ ध्यान रखना। और बरेली के मंत्री, सांसद, एमएलए से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं कि जो लोग मेरे पापा की हेल्प कर रहे हैं वो मेरे पापा की हेल्प करना बंद कर दें, क्योंकि सच में हमारी जान को खतरा है। और प्लीज़ पापा, अपनी सोच बदलो। अभी और अभी की फैमिली इंसानी है, कोई जानवर नहीं है वो लोग, तो प्लीज़ अपनी सोच बदलो। अच्छे लोग हैं, मैं खुश रहूंगी उनके साथ, प्लीज़। और खुश रहो और खुश रहने दो, चुपचाप अपनी राजनीति करो। धन्यवाद। We'll be right back.